से देखिए तो ये वाला केक। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मानसु ब्लॉग। कैसे है पब्लिक? तो आ चुके हम लोग एक और एक्साइटेड मजेदार फासू सा ब्लॉग वीडियो लेके, चैलेंज नहीं हाँ। तो अभी टाइमिंग बज रहे हैं 11, मैं देख के आया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि टाइम हो गया, सही में 11 ही हो रहा है। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया बहुत दिनों बाद, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार बनाते हैं, बनाते ही हैं, इसलिए मैं फिर आ गया। तो 3 हफ्ते बाद मैं फिर से अपनी वीडियो लेके आया हूँ और इस बार आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से बोलने की ट्राई करता रहता हूँ लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी, ऐसा कौन कहता है पता है आपको? ये कहती है, ये ध्यान से देखिए इन महिला को। ये महिला कहती रहती है कि कोशिश करोगे तभी सक्सेस मिलेगा, कोशिश करते नहीं हो सक्सेस कहाँ से मिलेगा। इसलिए मैं फिर से आ गया हूँ इन महिला की वजह से। जरा अपनी शक्ल दिखाइए, दिख नहीं रही है आपकी शक्ल। हाँ तो बताइए आज क्या है? आज कुछ स्पेशल है? हाँ। क्या है स्पेशल बताइए? आज ही मैंने ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया बता दीजिए, ये राज खोल दीजिए। खोलूंगी अभी टाइम है। अच्छा तो ट्विस्ट। हाँ। तो अभी देखो मम्मी जी ने बताया नहीं आप लोगों को, बहुत ना इंसाफी है। लेकिन अभी मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है क्योंकि मेरे को अभी मम्मी जी ने कह रखा है, जा बेटा फतेह हासिल कर, पोछा लगा घर में। और कमरा इतना लंबे लंबे है कि पोछा लगाते लगाते मेरे हाथ के पोछे हो जाते हैं, इसलिए तो चलो पोछा लगाते हैं। मम्मी जी ने मेरे लिए स्पेशली, देख रहे हो, बच्चों के लिए क्या खरीदते हैं, मम्मी ने मेरे लिए क्या खरीदा, देखो पोछा मारने वाला मशीन, कह रही तू अब इसमें मारना पोछा। तो चलिए पोछा मारते हैं। डंडा किधर है माँ? क्या यार मम्मी, किचन में डंडा ना रखा करो, वहां जाके लाना पड़ता मेरे को। सो फाइनली गाइस डंडा आ चुका है, एक फ्रेम में दिख भी नहीं रहा डंडा, रुको डंडा आ गया है। तो चलिए पोछा मारना शुरू करते हैं और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आज ही के दिन मैंने ब्लॉग क्यों शुरू किया है। तो चलिए पहले पानी लेंगे, उसके बाद पोछा मारेंगे, थोड़ा फिनाइल विनाइल डाल के बढ़िया सा तगड़ा एकदम। पापा जी ने तो मेरे को घर का सफाई कर्मचारी बना रखा है, कहते रहते हैं सफाई कर्मचारी। तो अभी उनसे भी मिलाएंगे, बहुत दिन हो गए आप लोग उनसे मिले नहीं हो ना, इसलिए तो थोड़ा सा चेंज हो चुकी है उनकी बॉडी, इसलिए तो अब मिलाते हैं आप लोग को, थोड़ा फिट हो गए बढ़िया से। तो पोछा मार लें उसके बाद मिलाते हैं आपको पापा जी से भी और फिर उसके बाद बताते हैं आपको क्या है आज का प्लान। पहली बार पोछा लगा रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि मैं रोज पोछा लगाता हूँ, झूठ बोल रहे हैं ये। सो फाइनली गाइस तैयार हो चुका हूँ मैं जाने के लिए हल्द्वानी, क्योंकि आज मेरे पापा जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, आज 17 दिसंबर है, इसलिए तो 17 दिसंबर को आज मेरे पिताजी का बर्थडे है, इसलिए मैं जा रहा हूँ केक लेने के लिए। इसलिए मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो मैंने मम्मी जी से भी कहा था कि मम्मी जी आप बताना चाहोगी कि नहीं, मम्मी जी ने कहा बाद में बताएंगे, तो इसलिए अब बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को। वैसे भी आप लोग ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हल्द्वानी, अपने बिल्लो रानी को निकालते हैं बाहर, उसके बाद चलेंगे हल्द्वानी और फिर लेके आएंगे केक, बाकी और थोड़ा बहुत जो आइटम आता है वो भी लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं केक लेने। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दुकान पे, आज शनिवार है इसलिए बहुत सी दुकानें बंद है, लेकिन मैंने कल पता कर लिया था कि केक वाली दुकानें खुली हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा था पूरा दिन खुली हैं, तो अभी आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। सो ये वाली दुकान पे हम पूछ के गए थे कल, तो अभी चलते हैं अंदर। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं कल आया था ना केक के लिए पूछने के लिए, तो केक के लिए दिखा दीजिए बढ़िया सा केक, क्योंकि आज तो ये दोनों, ये ऊपर की दो लाइनों में लगे हैं केक, कौन से हैं अब देखते हैं।
सो फाइनली गाइस देख सकते हो आप लोग, ये नीचे वाला दोनों बिना अंडे वाले हैं, ऊपर वाले अंडे वाले हैं। तो मैंने मम्मी को फोन करके पूछा, मैंने वीडियो भी वो फोटो भी भेज दिया था कि कौन सी पसंद है। मम्मी जी ने ये वाला सेलेक्ट किया है। तो मैं ये भैया ये वाला निकाल दो, अभी इस पे नाम वाम लिखवाते हैं, पापा जी का नाम लिखवाते हैं इस पे। क्या नाम लिखना है भैया? राज लिखना है। राज तो फाइनली गाइस हमने केक ले लिया है और अंकल ने पापा को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए दो चॉकलेट्स दिए हैं, तो उनको भी मैंने थैंक यू कह दिया पापा जी की तरफ से। तो चलिए चलते हैं, अभी पनीर नहीं लिया मैंने उनके हाथ से, जो पनीर था वो आनंदा का था, मेरे को आंचल का चाहिए था इसलिए। तो अभी पनीर ले लेते हैं और एक कैरेट अंडा भी लेना है, वो भी ले लेते हैं क्योंकि पापा जी की हेल्थ है, पापा जी को एक कैरेट अंडा मतलब हर दिन अंडे खाने हैं इसलिए। तो एक कैरेट अंडा और पनीर, ये दो आइटम रह गए, ये दो आइटम लेते हैं उसके बाद चलते हैं घर। मम्मी आपने केक के दर्शन किए? नहीं अभी नहीं। कैसी बात कर दिया आपने यार, मम्मी आप ही ने कहा कि वो केक ले लेना, तो दर्शन कैसे नहीं किए, कैसे नहीं किए, कैसे नहीं किए? इतना ठंडा हाथ है यार, रेगिस्तान से आ रहा हूँ, ठंडा नहीं होगा? आ रहे हो बर्फ, वो क्या करते हैं, बर्फिस्तान से आ रहे हो? बर्फिस्तान। अरे बाबा मुझे प्लीज प्लीज ठंडा यार, इसी पे बुरा लगता है मेरे को। मम्मी जी देखो कैसे एकदम छोटे बच्चे की तरह एकदम रजाई के अंदर सुकड़ी हुई हैं। मम्मी चलो केक काटते हैं, अभी केक काटेंगे, पापा आ जाएंगे ड्यूटी से, पहले जाएंगे ड्यूटी से आएंगे उसके बाद। तो अभी देख रहे हो गाइस 6:30 बज रहे हैं, पापा जी अभी ड्यूटी जाएंगे 7 बजे, फिर आएंगे जब बाग एक्सप्रेस चली जाएगी, यानी 9:30 बजे के आसपास, अप्रोक्स 9:30 बजे के आसपास आएंगे, उसके बाद हम लोग केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे, चलो टीका भी लगेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं हूँ सारा तेले सारा, कैसा लगा? सो फाइनली गाइस केक कटिंग हो चुका है, बहुत सिंपल स्वीट और एकदम आनंद भरा, और केक अभी भी मेरा यही रखा हुआ है, ये सिर्फ मेरा है। पापा जी देखिए, पापा जी कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। हेलो नहीं बोलेंगे, गलत बात, बहुत दिनों बाद है। ये रहा केक और अब मैं इसे खाऊंगा और आप लोग को नहीं दिखाऊंगा, और बहुत सारा स्पेशल डिश बनाया क्योंकि आज पापा जी का बर्थडे है। तो मम्मी आज क्या क्या बना है? आज बना है पनीर, खीर, वेयर इज माय रोटी, पूरी, पूरी और रोटी, पापा के लिए रोटी और मेरे लिए पूरी। तो चलिए गाइस अभी खाना वाना खाने देते हैं, खाएंगे उसके अभी, क्योंकि 9 बज चुके हैं, 9 से ज्यादा ही हो गए हैं। ओ कितना बज गया, 9:30 हो गए हैं, अब खाना वाना खाएंगे
और खाना वाना खाने के बाद फिर केक खाएंगे, केक खाने के बाद फिर एडिटिंग करनी बाकी है, एडिटिंग करेंगे और फिर इसको अपलोड करेंगे। कल फिर से 8:30 बजे वीडियो आ जाएगी। अब तो शायद मैं हो सकेगा पूरी कोशिश होगी कि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, इसकी वजह से थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूं, इसकी वजह से मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का। आप लोग प्लीज सपोर्ट करो, मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा अच्छा, कि एकदम बोल सके तो एकदम बड़े यूट्यूबरों के साथ टक्कर। चलिए गाइस, इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। इस ब्लॉग को कैसा लगा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अभी तक चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन दबा देना, लाइक ठोक देना प्लीज यार, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करो यार प्लीज। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय बाय बाय।